किसी से झगड़ने से नहीं है, हिम्मत लाल बत्ती से नहीं है। इतना मिनिस्टर देख रहे हैं, हम सबका कॉन्वॉय है, कॉन्वॉय है, कॉन्वॉय है। आज अगर हम लोगों को बचना है तो आंदोलन ग्रेटर तिपरा लैंड का फिर से शुरू करना पड़ेगा। विजय रामगोल, यू आर राइट। जब तक वी डू नॉट पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे विल नॉट टेक अस सीरियसली। प्रेशर तो रखना पड़ेगा। वीसी इलेक्शन, आज खबर मिला है कि वीसी इलेक्शन होगा। कोर्ट से ऑर्डर लेके आया है ये लोग जो बोलता है तिपरा लैंड होवे ना, चलवे ना, होवे ना, होवे ना। चलो हमारा बुकुंबारा से एक बार डायरेक्ट कॉन्टेस्ट करके देखो ना गांव में, हम दिखाता है कौन किसका बाप है यहां। असेंबली में आप लोग फाइट कर रहे हैं, गुड जॉब। हमने ऐसा आज तक नहीं देखा कि अपना ये पहला बार बोलता है कि विश्वजीत आप जंप किया टेबल में, तो बोलता कि इतना खराब हुआ। और वो जो एमएलए मोबाइल फोन में देख रहा था वो खराब नहीं था, यहां में इतना माँ है, बहन है, बच्चा लोग, वो शर्म का बात नहीं था। आप कुर्सी में कूदा तो शर्म का बात है, नहीं चलेगा। ये तेरा तिपरा मोथा का एमएलए, उनका 32 एमएलए से को ऊपर भारी पड़ेगा, आप देखना। एडीसी में फिर से कल बजट निकला है, नो मनी, फिर से पैसा नहीं है। पूर्णो, जगदीश बाबू, भवरंजन, डॉली, अनंत बाबू, सोहेल, रुनेल, आप लोग सब ईएम है, लेकिन आपका डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है। आप ईएम बन के क्या करेगा? अगर हिम्मत है ना तो रेडी हो जाओ जाकर गवर्नर के सामने रिजिग्नेशन देकर बोलने के लिए, इलेक्शन फिर से करो। जो केजरीवाल ने किया दिल्ली में, अगर हिम्मत है तो करने के लिए तैयार, मैं जाऊंगा रिजाइन करने सबसे पहले और चैलेंज करने के लिए। प्रेशर, प्रेशर रखना पड़ेगा, प्रेशर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइट आपका लिए नहीं है, ये फाइट आपके लिए नहीं है, ये फाइट बुबागरा का भी नहीं है, ये हमारा जाति का है, ये हमारा खून का है, हमारा जमीन का है, हमारा गरीब की पैसा है। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। और ये लोग थमसा तोड़ने का चक्कर में, यहां में मादापारी में रैली किया ना हम लोग का ऑफिस तोड़ा, तोड़ो, तोड़ने दो। कौन कौन एक बीजेपी का एमएलए बोल रहा है तिपरा लैंड नहीं मिलेगा? मैं माधव बारी से मीडिया को बोलना चाहता हूं, ये मीडिया तो यू टेक इट आउट ऑल्सो, दिल्ली में भी जाएगा ये मीडिया, एएनआई है, हमेशा लिखता है कि हम रिजाइन कर रहे हैं। एक मेरा बाइट ले जाओ, तिपरा लैंड आज नहीं मिला ना, कल नहीं मिला ना, परसों नहीं मिला ना, एक ना एक दिन तो ग्रेटर तिपरा लैंड मिलेगा, ये हम लोग का दिल का बात है। आज पैसा देके, रेगा देके, नौकरी देके, झूठ झूठ बोल के, हम लोगों को झूठ झूठ बात बोल के रेगा नहीं आनाओ, चक्री नहीं आनाओ, डिमांड करो ना, अंचुली पार्टी करो ना, ये बोल के हम लोगों का थानसा को तोड़ता है। लेकिन हर तिपरा सा बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, कांग्रेस का हो या अपना मोथा का हो, वो उसके दिल के अंदर ग्रेटर तिपरा लैंड जिंदा है और एक ना एक दिन तो मिलेगा। विजय बाबू आप नहीं हो, यू मे नॉट बी अराउंड नाउ, देयर इज डिस्क्वालिफिकेशन टू बी ओल्ड। जगदीश बाबू आप नहीं रहे, मैं नहीं रहूं, यहां में वो बच्चा लोग है ना, वो एक दिन देखेगा, वो देखेगा। और ये तिपरा लैंड कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं होगा, वी विल नॉट बी अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, कोई धर्म के खिलाफ नहीं होगा, कोई मजहब के खिलाफ नहीं होगा, कोई बंगाली तिपरासा नहीं करेगा, कोई हिंदू क्रिश्चियन नहीं करेगा, कोई मुसलमान हिंदू नहीं करेगा,
ये अपना अधिकार में अपना जमीन के लिए बात करेगा, किसी का अधिकार नहीं छीनेगा। आज हमारा अधिकार छीना जाता है। एडीसी में सिर्फ 2% पैसा भेजा गया, सिर्फ 2। क्यों? सबका साथ सबका विकास। विकास कहां गया? कहां गया विकास? मिनिस्टर बन गया। सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास सिर्फ एक आदमी को मिला, हमारा प्यारा शुक्ला चरण। ग्राउंड से उठा पिपरा लैंड बोल के, ग्राउंड से उठा पिपरा लैंड होके यही माधव बारी में बीजेपी का प्रेसिडेंट बोल रहा है पिपरा लैंड पावा जावे ना, यहीं से बोला ना। हाँ, यहां से बोला कि नहीं? शुक्ला वहां में बैठा, कैसा लगता अगर हम यहां में बैठता और बीजेपी का लीडर को बोलता अपना मंदिर होवे ना। ये इनका आईपीएफटी का कोर डिमांड है, ग्रेटर पिपरा लैंड। बीजेपी का कोर डिमांड है यूसीसी, आर्टिकल 370, राम मंदिर। अगर हम उनका कोर डिमांड का मजाक उड़ाता तो उनको कैसे लगता? लेकिन उन्होंने हम लोगों का मजाक उड़ाया। मैं यहां से बोलना चाहता हूं, शुक्ला आप बुरा मत मानो, आपको मैं अभी भी बहुत प्यार करता हूं, आप तिपरा सा है इसके लिए प्यार करता हूं, लेकिन अगर मेवाड़ और एमसी देवर्मा स्टेज में बैठा होता तो बीजेपी का राजीव भट्टाचार्य कभी नहीं भूल सकता कि तिपरा लैंड होवे ना। ये सच बात है। अपना आप को हल्का कर दिया है आपने, पावर के लिए आपने अपने आप को हल्का किया है। हल्का मत करो, प्रेशर रखो, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। पिपरा साहब, मैं आज भी आपको बोलना चाहता हूं, 15 और 16 को अपना अधिवेशन है, 15 तारीख 16 तारीख को खुलू में पूरा त्रिपुरा से त्रिपुरा मोथा का अधिवेशन है। और बुबाग्रा आपको एक बात बोलना चाहता है, बुबाग्रा चेयरमैन प्रेसिडेंट रहे या ना रहे, बुबाग्रा पिपरा सा के साथ मरते दम तक फाइट करेगा। इस मंच से मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हमारा दोफा को, हमारा नेक्स्ट जनरेशन को, हमारा बुरुई बुमा सेकला सिकली बुरा, हमारा पिपरा सा को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और जो गलती माधव बारी से मैं बोलना चाहता हूं सबको, जो गलती आईपीएफटी ने 2018 में किया बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिना अग्रीमेंट साइन करके सरकार में बैठ गया, बुबाग्रा आपको बोल रहा है, एमएलए भी यहां में है, मंत्री नहीं बनना है, मंत्री बनके कमजोर हो जाओगे, पहले कम्युनिटी को कुछ देना है उसके बाद अपने बारे सोचो। ये उस टाइम मैं कांग्रेस में था, यहां में वो सिंडिकेट ग्राउंड में मेवाड़ भी था, वहां में अनंत बाबू आप था, वो टाइम भाई वाइस प्रेसिडेंट था आईपीएफटी का। उस टाइम मैंने पहले बार बोला था पुइला जाति उलो पार्टी। यहां से मैं बोल रहा हूं, मैं तिपरा मोथा को इतना प्यार नहीं करता हूं जितना अपना तिपरा सा को प्यार करता हूं। ये लोग प्लानिंग करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है थंसा को तोड़ने के लिए, हम लोगों को कमजोर करने के लिए बहुत कॉन्स्पिरेसी करता है। लेकिन आज आप देखो, आप लोगों को किसी को जनरल सेक्रेटरी बनना है, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनना है मोथा में, किसी को ईएम बनना है, किसी को मंत्री बनना है, आपका बच्चा क्या बनेगा? आपका जो सेकला है, आपका जो पुलापान है, वो कहां जाएगा? आज आप अपना बारे सोच रहा है, इसके लिए आपका नेक्स्ट जनरेशन खत्म हो रहा है। महाराजा को यहां में इतना बुरी लोग, हम आपको बोल रहा है, यही तो हम लोगों का कमजोरी है, यही में तो तिपरासा हर टाइम हार जाता है। इस एक सब्जेक्ट में
हमको सिर्फ स्वार्थी होके अपना बारे सोचना है, कम्युनिटी के बारे सोचो। कम्युनिटी है तो बाद में आपको सुरक्षा भी मिलेगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगा। परिवार के बारे सोचेगा कुछ नहीं मिलेगा। आज आप मंत्री बना है विकास देव वर्मा, आज परिवार के पास गाड़ी है, सब चीज है। बोलो आप सीएम है, आपके पास अच्छा घर है। कल जमतिया को कुछ नहीं मिला, देव वर्मा को कुछ नहीं मिला, कोलोई को कुछ नहीं मिला, रियांग को कुछ नहीं मिला, 19 का 19 दफा को कुछ नहीं मिला, कोई नहीं पूछने वाला। बुद्धो आप फोन करता है, महाराज पोस्ट नहीं मिलेगा तो मथा छोड़ देगा। छोड़ो छोड़ो, ब्लैकमेल मत करो। ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा। प्यार करता है अपने लोगों को, जिसको धमकी देना है जाके उनको धमकी दो, जो आज आपका कॉक बोरॉक को आपको बांग्ला में लिखने के लिए फोर्स करता है लोग, उसको पकड़ो और उसको धमकी दो। ये